तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए बवाल में बेटे को खो देने वाला परिवार अब न्याय की मांग के लिए स्थानीय विधायक के पास पहुंचा है। जान गंवाने वाले रामगोपाल मिश्रा के माँ बाप की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। विधायक से मिलने पहुंचे पिता कैलाश नाथ बार बार आंखों से आंसू पोंछ रहे हैं। बीच में बैठी माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पत्नी भी सिसक सिसक कर अपना दर्द बयां कर रही और पति की जान के बदले आरोपियों की जान की मांग कर रही। रोली मिश्रा का कहना है कि जैसे हमारे पति के साथ हुआ वैसे ही आरोपियों के साथ भी किया जाए। रोली मिश्रा, क्या क्या मांग करेंगे मुख्यमंत्री से? आप मिलने जा रही हैं? खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे। और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी, और कुछ नहीं चाहिए। सुना आपने, एक ओर पति को खोने का दर्द है तो दूसरी ओर बदले की आग भी। वही विधायक से मुलाकात करने गए रामगोपाल मिश्रा के पिता को भी सुनिए, उन्होंने भी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर डाली। कि हमारे लड़का का हमारा गया तड़पाए तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो, तो उनके सजा देने जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट करने का है तो किनकी सजा देंगे। बहराइच कांड मामले में आरोपियों की तलाश जारी है, जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन हो चुका है, साथ ही संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। इस बीच स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह का कहना है कि हम पीड़ित परिवार की मदद कर रहे हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री योगी से भी मुलाकात करेंगे। जो प्रथम दृष्टया जिनके कारण घटना होना बताया गया था, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा चुकी है और जांच चल रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे जितना बड़ा हो। और जो पीड़ित है, पीड़ित का शासन प्रशासन भी पक्ष ले रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदना व्यक्त की है और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनको बुलाया है। अब पीड़ित पक्ष अपनी बात कहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात कहेंगे, वो मेरे ख्याल से इसके बाद पटाक्षेप हो जाना चाहिए प्रकरण का। अभी क्या स्थिति है पुलिस? अभी स्थिति तो बिल्कुल सामान्य है, अंतिम संस्कार के बाद में स्थिति लगभग सामान्य हो गई। आपको बता दें कि बहराइच के थाना हरदही क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव निवासी रामगोपाल मिश्रा रविवार शाम करीब 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले जुलूस में आगे आगे चल रहे थे। ये जुलूस जब महाराजगंज बाजार में समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजर रहा था तो नारेबाजी और डीजे बजाने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते ये कहासुनी बवाल में तब्दील हो गई। इस बीच हुई गोलीबारी में रामगोपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। रामगोपाल की जान गई। इसके बाद जब इलाके में खबर फैली तो महाराजगंज में बवाल और अधिक उग्र हो गया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के घर समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ की और उसमें आग तक लगा दी। इस घटना की आग पूरे जिले में फैल गई। फिलहाल बवाल वाले इलाकों में शांति है, लेकिन पूरे मामले पर राजनीतिक पारा हाई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।